सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। अलर्ट के बीच कुल्लू में चला अंधड़, 14 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच पिछले कल कुल्लू में दोपहर को अंधड़ चला। अंधड़ से ढालपुर में धूल का गुबार उठ गया, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले कल सुबह मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली। हल्के बादल छा जाने के बाद अंधड़ चला, लोग धूल से बचते हुए नजर आए। हालांकि अंधड़ से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि 3 दशक के बाद कुल्लू में मई में ठंडा मौसम बना है। लाहौल स्पीति व कुल्लू के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। लाहौल स्पीति प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज बारिश की संभावना है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 17 मई तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान मध्य व मैदानी कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। केलांग में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में 1800 रुपये डिब्बे के रिकॉर्ड रेट पर बिकी शिमला की चेरी, बागवान गदगद। शिमला की चेरी को दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस सीजन के रिकॉर्ड रेट मिले हैं। कोटगढ़ की चौहान वाटिका, कोटीधार की चेरी प्रति डिब्बा 1800 रुपये के रेट पर बिकी है। इस सीजन का यह अब तक का रिकॉर्ड रेट है। बागवान हरी सिंह चौहान के बेटे सूर्य चौहान ने बताया कि मर्चेंट और डूरो नूरो किस्म की चेरी के 42 पैनेट दिल्ली भेजे थे। कहा कि मांग अधिक होने के चलते चेरी को अच्छे रेट मिले। सूर्य चौहान ने बताया कि उनके बगीचे में चेरी के आधुनिक किस्मों के करीब 100 पेड़ हैं। इस साल सामान्य के मुकाबले सिर्फ 30% ही फसल है। सीजन में अब तक 375 पैनेट बेचे हैं। भवन की बेसमेंट खोलकर पार्किंग बनाने के लिए बनेगी नीति, हजारों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार भवनों की बेसमेंट खोलकर पार्किंग बनाने के लिए नीति तैयार करेगी। वर्तमान में बेसमेंट को बंद किया गया है। अब सड़क के साथ बने भवन मालिकों को यह राहत दी जा रही है। नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से बेसमेंट को पार्किंग बनाए जाने का वायदा किया था। इसको लेकर अधिकारियों ने मंत्रणा शुरू कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से इसके नियम तैयार किए जाएंगे। बता दें कि हिमाचल में पार्किंग की बड़ी समस्या है। हिमाचल में हर महीने 250 से 300 नए वाहन आते हैं। अब एटीएम में 3 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे ग्राहक, फ्रॉड करने वालों पर कसेगा शिकंजा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में ग्राहक अब 3 मिनट से ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाएंगे। एटीएम मशीन के अंदर 3 मिनट से ज्यादा देर तक खड़ा रहने पर अनाउंसमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। अनाउंसमेंट सिस्टम से ग्राहक को एटीएम छोड़कर बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर एसबीआई की तरफ से यह फैसला लिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में यह सिस्टम शुरू हो गया है। ऐसे में जहां सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं चोरी छिपे किसी के एटीएम कार्ड को पिन नंबर पढ़कर फ्रॉड को अंजाम देने के मामलों पर भी शिकंजा कसेगा। वहीं अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए बैंक की तरफ से यह कारगर फैसला लिया गया है। कामगारों को अब नहीं किया जाएगा निजी अस्पतालों में रेफर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में पंजीकृत मरीजों को अब गंभीर बीमारी होने पर भी निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा, उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीमार कामगारों को निजी अस्पतालों में रेफर न करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत अब हजारों कामगारों और उनके आश्रितों को बीमारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। वहीं निगम के मुख्यालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सरकारी संस्थानों में ईएसआई में पंजीकृत कामगारों को भेजा जाए। आयोग के पूर्व सचिव 3 और मामलों में आरोपी एचएएस अधिकारी के खिलाफ जांच को मंजूरी। भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ 3 और मामलों में राज्य सरकार ने जांच को मंजूरी दे दी है। जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 के तहत परमिशन टू इन्वेस्टिगेट मांगी थी। सूत्रों के अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी जूनियर इंजीनियर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड के मामलों में यह मंजूरी मांगी गई थी। इससे पहले 2 मामलों में सरकार पहले ही हिमाचल प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन मंजूरी भी दे चुकी है।
संशोधित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अनुसार प्रशासनिक अफसरों के मामले में जांच और अभियोजन दोनों के लिए अलग अलग मंजूरी मांगनी पड़ती है। प्रदेश में ही तैयार होंगे हाई क्वालिटी के पौधे, बाहरी राज्यों के प्लांटेशन मॉडल जांच रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल में ही उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करेगी। न सिर्फ उच्च गुणवत्ता बल्कि उच्च उत्पादकता वाले पौधे भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के प्लांटेशन मॉडल को स्टडी कर रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश की कृषि, जलवायु विविधता, बागवानी क्षेत्र के विस्तार और सेब, नींबू प्रजाति के फलों, आम, खुमानी और नाशपति जैसे फलों की पैदावार के लिए वरदान है। वहीं राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुर्वेदिक फार्मेसी में 34,000 क्विंटल औषधि का होगा उत्पादन, 70 लाख रुपए का बजट जारी। हिमाचल प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज जोगिंद्रनगर में आधुनिक मशीनरी और आधारभूत ढांचे में विस्तार होते ही औषधीय दवाइयों का उत्पादन दोगुना कर दिया गया है। इसके लिए अनुमानित 70 लाख का बजट जारी हुआ है। कच्चे माल की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। वहीं इस बार 33,716.7 क्विंटल आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का लक्ष्य फार्मेसी को मिला है। पिछले साल 18,650 किलोग्राम औषधियों का निर्माण हुआ था। फार्मेसी के अधिकारियों के अनुसार इस बार भी GMT के तहत गुड मैन्युफैक्चर दवाइयों के निर्माण के लिए अनुमानित 70 लाख के बजट को स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश सरकार को इस साल चुकाना होगा 11,068 करोड़ लोन, एक दशक में 2.5 गुना बढ़ गया लोन। कर्ज के जाल में उलझे हिमाचल प्रदेश में अब लोन चुकाना भी एक बड़ा खर्चा है। माना जा रहा है कि हिमाचल सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 11,068 करोड़ का कर्ज चुकाएगी। यदि सरकार सीमित ऋण लेती है और आय के साधन बढ़ाने पर जोर देती है तो भी आने वाले 5 साल के भीतर राज्य सरकार को 27,670 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। हालांकि राज्य पर 76,000 करोड़ रुपये के करीब कर्ज है। हिमाचल की आबादी 75 लाख है। कल से लॉन्ग रूट पर नहीं दौड़ेंगी बसें। हिमाचल प्रदेश में कल से लॉन्ग रूट की बसों के पहिए थम सकते हैं। HRDC ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन व सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 मई से पहले डिप्टी CM के साथ यूनियन की बैठक नहीं होती तो फिर 15 मई से एडवांस पेमेंट पर ही रात्रि सेवाएं दी जाएंगी। ऐसे में अब अभी तक यूनियन की डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात नहीं हुई है। वहीं यूनियन के प्रांतीय प्रधान मानसिंह ठाकुर का कहना है कि अगर रविवार यानी आज भी डिप्टी CM से मुलाकात नहीं होती है तो फिर कल से ड्राइवर दिन को ही सेवाएं देंगे। मानसिंह ठाकुर का कहना है कि शिमला से चंडीगढ़ रूट पर सुबह शिमला से बस चलती है और शाम को वापस पहुंच जाती है, लेकिन जिन रूटों पर सुबह बस चलती और शाम तक अपने आखिरी स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती उन रूटों पर ड्राइवर नहीं चलेंगे। शिमला में दिल्ली, हरिद्वार व जम्मू जैसे रूट शामिल हैं। ड्राइवर व कंडक्टर की 41 महीनों की राशि लंबित है। इसमें से ड्राइवर व कंडक्टरों को 3 महीने की राशि का भुगतान कर दिया है जबकि 38 महीनों की राशि बाकी है। इसके अतिरिक्त मानसिंह ठाकुर का कहना है कि HRDC के ड्राइवरों व कंडक्टरों को 38 महीने के नाइट ओवरटाइम की राशि दे है। यह राशि 65 करोड़ के आसपास है। कर्मचारियों को 50,000 AR की पहली किस्त भी जारी नहीं की गई है, न ही अभी तक DA मिला है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।